फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल अक्रॉस विद रोहिणी। चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं बहुत ही खूबसूरत सफ़र के लिए, और वीडियो का टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा, हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन चौकोरी नाम का बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और नोएडा से तकरीबन 11 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो हम लोग ये पूरा डिस्टेंस एक ही इसमें कवर नहीं करेंगे। ये तो हमारा प्लान था अर्ली मॉर्निंग निकलने का, लेकिन अभी दिल्ली NCR में काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है गाइस, मतलब विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो रहती है, तो क्यों रिस्क लेना है ना। तो इसलिए हमने फिर आज प्लान थोड़ा सा चेंज कर लिया और हम लोग अभी दोपहर को निकले हैं 3:30 बजे। तो अभी हम लोग पहले जाएंगे जिम कॉर्बेट, तो हमें यहाँ से अभी जिम कॉर्बेट का डिस्टेंस दिखा रहा है, मैं आपको बताती हूँ। हमने जो रिजॉर्ट बुक किया है वो यहाँ से है 4 घंटे 46 मिनट का। तो फिर आज रात हम लोग वहाँ पे स्टे करेंगे जिम कॉर्बेट के रिजॉर्ट में, और उसके बाद कल सुबह ब्रेकफास्ट करके हम लोग हमारे जो डेस्टिनेशन है चौकोरी हिल स्टेशन वहाँ के लिए निकलेंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत सफर के लिए। रास्ते से गुजरते हुए ना बहुत सुंदर सुंदर खेत लगते हैं, व्यू बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से मुजफ्फरनगर 74, मेरठ 18 किलोमीटर। और यहाँ पे पहला टोल आ गया है। सूर्य इतका सुंदर दिसत आहे, छान दिसत आहे सूर्य, इतका सुंदर दिसत आहे का। हवा चेक करने के लिए थोड़ा सा रुक गए हैं। और यहाँ से है मुरादाबाद 82 किलोमीटर, और गढ़मुक्तेश्वर जो जिसे ब्रज घाट कहते हैं वो है 6 किलोमीटर। Oh,
जिम कॉर्बेट में वन नाइट स्टे करने के बाद हम लोग अभी चौकोरी के लिए निकल चुके हैं, और गूगल बाबा ने हमें रानीखेत का रूट दिखाया हुआ है, तो चलते हैं अभी चौकोरी वाया रानीखेत। यहाँ से चौकोरी अभी 7 घंटे की दूरी पर है। यहाँ से पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो गया है और रास्ते जो है वो टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से हमें गुजरना पड़ रहा है। एक एक पहाड़ क्रॉस करते हुए हम लोग अभी काफी ऊंचाई तक आ गए हैं। यहाँ पे रास्ते की कंडीशन थोड़ी खराब है। गाइस, हम लोग सफ़र कर ही रहे थे कच्चे रास्ते से, और तभी अचानक देखिए एकदम से क्या हो गया, हमारी टाटा पंच में इन रास्ते से नीचे ही उतर गई है। हाँ, इमरजेंसी में कोई परेशान रहता करके ना, बाहर वाले बहुत परेशान रहते हैं, यहाँ वाले तो कर लेते हैं जुगाड़, बाहर वाले ज़्यादा रह जाते हैं ना नैनीताल घूमने वाले। ये इधर को ज़्यादा काम नहीं आता है, ज़्यादा चौकोरी। अच्छा, चौकोरी ये चौकड़ी साइड को चलते हम ज्यादा ना, उधर ही को चाहिए होता है। मैं मैंने पकड़ लिया गलत रास्ता। हाँ, मैंने उधर से जाना चाहिए था। गाइस, बहुत ही टेंशन वाला सीन हो गया था, और हमारी हेल्प के लिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकी थी, लेकिन किसी के पास भी ना रस्सी नहीं थी। और ये जो भैया खड़े हैं ना, ये हमारे साथ स्टार्टिंग टू एंड तक रुके थे, और फिर ये एक ट्रक आ रहा था तो हमने उनसे हेल्प। और आगे देखिए कि किस तरह से हमारे टाटा पंच रास्ते पर ऊपर आ गई। सीट बेल्ट लाऊंगा नहीं क्या? ओह गॉड, थैंक गॉड। थैंक यू सो मच, आप मतलब इतने देर तक रुके, थैंक यू। थैंक यू सो मच भैया। हाँ, थैंक यू सो मच। गाइज, अवर लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, मतलब हम कितनी भी केयर करें या फिर मतलब अच्छे से ड्राइव करें, लेकिन फिर भी ना जो होना है वो होता ही है। लेकिन भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि
करके उन्होंने हमें संकट से बचाया और हमारे लिए जितने भी लोग का ना वहाँ पे हेल्प के लिए आए उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। और वो जो एक भैया तो ना स्टार्टिंग से एंड तक रुके थे, जब तक हमारी गाड़ी मतलब बहुत आगे तक नहीं जाती ना तब तक हमारे साथ वो पीछे पीछे ही आ रहे थे। तो मतलब ना इंसानियत, अच्छे लोग, इन पे ना विश्वास हमारा बढ़ जाता है ऐसे ही। और मैं तो मन में ये इतनी हमारे जो कुल देवता है ना तुलजा भवानी, इतना उनको याद, मैं बार बार मन में जाप कर रही थी तुलजा भवानी का और हमें इस संकट से निकालो करके। तो थैंक गॉड और थैंक्स हमारे लिए जो भी रुके थे, थैंक यू सो मच। और फाइनली हम लोग फिर से अपने सफ़र के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पे एक अगर गांव आ जाएगा ना छोटा सा, तो गाड़ी थोड़ी सी ना मैकेनिक के पास लेकर दिखा देंगे, क्योंकि गाड़ी में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे कोई अगर एक मैकेनिक की दुकान मिल जाए तो हम वहाँ पर अपनी गाड़ी दिखा देंगे। सही है बाकी कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। मैं वही बोला है सर, वो कट 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 आवाज आ रहा है, उसमें पहले कोई आवाज आती होगी नहीं, पत्थर की होगी फिर इतने बड़े बड़े पत्थर निकले तो सस्पेंशन चेक कर लिया ना। पूरे पत्थर निकल रहे उसमें से, कितने मोटे मोटे दगड़े होते थे, शायद बाप रे। मैकेनिक से अभी गाड़ी चेक कर ली है ठीक से पूरी तरह से, तो उसने बोला अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हमारा चौकोरी का जो रिजॉर्ट हमने बुक किया है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और बहुत ही सुंदर है। और उस रिज़ॉर्ट की ख़ास बात यह है कि वहाँ से हमें हिमालय रेंज दिखती है, मतलब जो नंदा देवी स्नो पीक है ना, और कुछ कुछ नाम बताए थे मैंने, पढ़े थे गूगल पे, तो वो सारी जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ जो है वो दिखती है हमें। तो मेरा आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि हमारे ये जो रोड ट्रिप है, हमारा जो डेस्टिनेशन था चौकोरी, वो अब आ गया है। और जो रिज़ॉर्ट का जो ब्लॉग है मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर ब्लॉग्स आने वाले हैं। और अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय। किसी पंछी की एक आवाज़ आ रही है।